वक्त सऊदी अरब में जिस सरजमीन पर कुरान नाजिल हुआ है, ताजा तरीन गिनती के मुताबिक 7,500 पाकिस्तानी कारी कुरान पढ़ा सऊदी अरब की सरजमीन पर। कितने अभी जो इमाम काबा तशरीफ लाए थे लाहौर में, हमने उन्हें इस्तकबालिया दिया, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ जहां मेरी अकीदत मोहब्बत मवद्दत के और बहुत से असबाब हैं, वहां एक सबसे बड़ा सबब यह है कि मैंने जिन असाज़ा से कुरान पढ़ा है वो सारे के सारे पाकिस्तानी हरम के इमाम ये कह रहे हैं। और मेरे भाइयों, आज भी आप गौर करें कि इस गए गुजरे दौर में भी, इधर तो ना देखा, इस गए गुजरे दौर में भी बर सगीर के मुसलमानों में दीनी शऊर, दीन की मोहब्बत, आवाल के जज्बे पहले से दुनिया के मुसलमानों से कई गुना ज्यादा है। सदर वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान उस्तादुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब दामन बरकातुम हज पे तशरीफ ले गए, हजरत को 60 साल हो गए बुखारी शरीफ पढ़ाते हुए, इस वक्त 95-96 साल उम्र है। हरम के बड़े इमाम शेख सुबैयल ने हजरत की खाने की दावत की, घर पे बुलाया और फरमाने लगे शेख सुबैयल मैं खुद आपके हाथ धुलाऊंगा। हजरत ने फरमाया नहीं, फरमाने लगे नहीं मैं खुद हाथ धुलाऊंगा और फिर वजह बताऊंगा कि मैंने क्यों आपके हाथ धुलाए। खैर उन्होंने हाथ धुलाए और वजह बताई, कहा मैं 50 साल से आलम इस्लाम के इस मरकज में हरम में इमामत कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से अरब अजम काले गोरे मुसलमान यहाँ आते हैं। कहने लगे मैं सबको देखता हूँ, कहने लगे मैं अरब मुल्कों के लोगों को देखता हूँ, हमारे अरब नमाज का सलाम कहते ही भागने की कोशिश करते हैं, आपके मुल्कों के लोगों को मैं देखता हूँ कोई दुआ मांग रहा है, कोई नफल पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई तस्वीर पढ़ रहा है, कोई तवाफ कर रहा है, किसी न किसी अमल में लगे होते हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये आपकी तरबियत का नतीजा है, इसलिए मैंने आपके हाथ धोया। मैसेज टीवी, दिस इज योर चैनल। This is your channel.